ये है चंद्रा नदी नीचे, बगल में है ग्लेशियर। चलते हैं आगे, ये भी देखो कितने बड़ी बड़ी बर्फ़ की दीवारें हैं। और इस रोड पे अभी बाइकर्स बहुत जा रहे हैं, हिमालयनी मैक्सिमम देखी है मैंने, एक दो एक यामा की MT-15 देखी हो। चलो चलो भाई, मज़ा आ रहा भाई, बहुत मज़ा। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना, एनर्जी लेवल और बढ़ रहा है। ये देख लो ग्लेशियर को क्रॉस कर रहे हैं हम। पत्थर बड़े हैं, बहुत ज्यादा पत्थर हैं। पिछले टायर से कोई बड़ा पत्थर टकराया था। बड़ा मजा आ रहा है इन ग्लेशियर को देख के और राइड करके। ग्लेशियर ना अभी पिघल रहे हैं, और अभी देखो जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त अक्टूबर तक ये शायद खुला रहता है रास्ता। जून में खुलता है और अक्टूबर तक आती है जनता इधर। ये थी मज़ेदार वाली। भाई स्कूटी से आ रहा भाई, सल्यूट है। बहुत लूज पत्थर है। तो देख लो भाई रास्ते की हालत। कुंजुम पास बाटला भी मेरे को लगता है नजदीक में ही है। लोसर के आगे रास्ता ठीक है, लोसर तक ही जो है। रास्ता बढ़िया है, मजा आ रहा है। ये चंद्रा नदी और चंद्रताल लेक से निकलती है नदी, रोड इस नदी के किनारे किनारे है। अभी मेरे को लगता है हम बाटल पहुंचने वाले हैं, बाटल पास में ही है। बाटल के बाद हम थोड़ा सा आगे जाके उधर जाएंगे चंद्रताल की तरफ। अभी भगाए ना नसार, हम भी भगाएंगे। गाइस अभी हम रुके हैं बाटल में, और बाटल के आगे से ही कहीं होगा चंद्रताल लेक के लिए। और यहाँ का फेमस चाचा चाची ढाबा चंद्रा ढाबा ये है, ये बाटल है। चलो चलो आगे, बाटल को क्रॉस कर दिया हमने। हम बाटल बाटल कल से लगा रखे थे, और ये है भाई बाटल। ये देखो रास्ते, ग्लेशियर की हवा आ रही है, पूरा धक्का दे रही है बाइक को। ये लकड़ी के तख्तों का ब्रिज है। चल खड्डे में,
और हम इस निबर से काफ़ी हाइट पे आ गए अभी। बाटल से चढ़ाई है ना स्टार्ट हुई है। काफ़ी देर हो गई, गाड़ी आई नहीं। देखता हूँ मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ उनका, नहीं तो फिर मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, जा रही है मैं वो नीचे तो गाड़ियाँ जाती दिख रही हैं पर अपनी कार आती नहीं दिख रही है। पता नहीं क्यों कहाँ फंसी है। और मैंने बताया ना आपको ये जा रहा है चंद्रताल की तरफ रास्ता, 14 किलोमीटर है और उसके बाद 700-800 मीटर का ट्रैक है। अरे गाड़ी दिख गई, सुपर है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दिखी है। क्या हुआ था? रुक, ये चंद्रताल वाला है, 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता है, उसके बाद 700 मीटर ऊपर लेक है। मैंने टूरिस्ट से पूछा हैं? क्या ना, फिर सभी जाएंगे तो मजा आएगा, अकेले क्या करेंगे जाके। ठीक है, ओके ठीक है, हम जा रहे हैं कुंजम पास की तरफ। तो हमने भारी मन से चंद्रताल का जाने का ख्याल मन से त्याग दिया, हम कुंजम पास की तरफ बढ़ रहे हैं। सो गाइस, कुंजम टॉप शायद 15 मिनट की दूरी पे है यहाँ से। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले मुझे एक बाइकर मिला था, वो ऊपर से आया था कुंजम टॉप साइड से, तो उसने बोला कि आपको यहाँ से 40 मिनट लगेंगे। तब से मैंने 20 मिनट तो राइड कर ही लिए। देखो बाइकर्स आ रहे हैं ऊपर से, लूज ग्रेवल, पाँव के नीचे सब लूज ग्रेवल है, मिट्टी के रंग का पानी आ रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं तो हो रहा है मिट्टी के रंग का कि कैसे है नहीं पता। आज का दिन मेरी लाइफ का इतना अच्छा दिन है कि इतने ज़्यादा ऑफ रोड करने को मिला मुझे। और ऑफ रोड करने जो करते करते ना बंदा कुछ सीखता ही है, और हम भी कुछ सीख रहे हैं अपनी फ्यूचर की राइड के लिए। ये तो पूरा नाला ही है। चलो एट लास्ट पहुँच ही गए हैं कुंजम पास में। मेरे ख्याल से वो ही होगा वहाँ तो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में। कुछ दिन पहले तक मैं इन जगहों के बारे में सोच ही रहा था, और आज देखो कुंजम पास के टॉप पर पहुंच गया मैं। कीचड़ जो है ना ये भी डेंजरस है, हल्का हल्का ये बट। सो कुंजम पास यही है। कुंजम माता कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। यहीं रुकता हूँ मैं पहले। मैं हूँ अभी कुंजम पास के टॉप पे, और भाई यहाँ तक पहुँचने में मोटा ही एडवेंचर किया है हमने आज। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है कुंजम पास। ₹4,590 की ऊंचाई पे है कुंजम पास, और काजा यहाँ से है 78 किलोमीटर, और लोसर यहाँ से है 19 किलोमीटर। तो देख लो भाई दृश्य देख लो। खड़ी अपनी बाइक, पूरा ग्लेशियर है पीछे।
तो गाइस कुंचम पास से हम चल रहे हैं, बाकी निकल गए आगे यहाँ पे। यही है फोटो पड़ रही है। AP40J0260। What is your name? अमरजीत। एक स्विफ्ट आगे गई है क्या अभी? हैं? स्विफ्ट गई है। किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेलकम्स यू। सो हम जा रहे हैं अभी किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से, और चिचम 19 किलोमीटर है इसी रास्ते पे। नीचे लोगों ने खेतों में खेती करके रखी है, नीचे खेत हैं लोगों के। अब इधर कौन से चिचम के हैं या कौन से विलेज के हैं इधर, ये नहीं पता खेत। और इन दुर्गम इलाकों में पानी की व्यवस्था कैसे होती होगी? पानी तो बहुत है वैसे। तो भाई ये है एशिया का हाईएस्ट ब्रिज। तो इधर तो बड़ी भीड़ लगी हुई है, इधर रोकते हैं बाइक। सो गाइस अभी मैं हूँ चिचम ब्रिज पे, हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया। ऑक्सीजन कम है इधर, मेरे को लग रहा है थकान ज़्यादा हो रही है। बाइक नीचे की तरफ खड़ी कर दी है ना मैंने गलती से। तो ये है की मिनिस्ट्री का रास्ता, की मिनिस्ट्री देखेंगे भाई, फिर हम काजा में रुक जाएंगे जाके, टाइम है हमारे पास में।
आधा घंटा लग जाएगा, इधर तो भी बहुत टाइम है। सामने दिख रही है भाई कि मिनिस्ट्री जो है ना वो पहाड़ी के ऊपर है, टिल्ले के ऊपर। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ आगे, मैं थोड़ा आगे जाके ना फोटो खींचूंगा मिनिस्ट्री के दूर से, और ये आ जाएंगे तब तक। गुड मॉर्निंग गाइस, कल हम की मिनिस्ट्री देखने के बाद में हम नीचे आ गए काजा, और काजा में हम रुकने का सोच रहे थे, पर काजा में हमें कहीं भी होम स्टे या होटल नहीं मिला, या कैंप सब बुक थे। और उसके बाद हम नीचे आ गए काजा से 15 किलोमीटर नीचे, और यहाँ एक गांव है, गांव का नाम तो नहीं मुझे पता क्या है, और यहाँ पे हमें एक होम स्टे मिला। और हमने इतना थक गए थे कि बस डिनर किया और सो गए। तो मैंने ये ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो अभी इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं मिलूँगा आप सभी से स्पीति राइड के एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, राइड सेफ एंड स्टे सेफ।